अंतर क्या है? नवग्रह की पूजा भारतवर्ष में उत्तर भारत में होती है, दक्षिण भारत में ग्रह के रूप में नहीं मानते, अष्टदेव के रूप में दक्षिण भारत में पूजा होती है। दक्षिण भारत में अष्टदेवताओं के चित्र भी बनाते हैं, मंदिर भी बनाते हैं, और उनके अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं मंदिरों में। ग्रह तब कहा जाता है जब वो प्रवेश करते पूरा परिवार बन जाता है। हाँ, जैसे दिलवाड़ा मंदिर में कोठरियां तो हैं, लेकिन उन कोठरियों में एक नहीं है, माँ बाप भी हैं तो बच्चे भी हैं, ऐसे ही वो पूरा घर गृहस्थ बन जाता है। ये रुद्रमाला के मण के हैं, ये सिंगल है या डबल है? अभी क्या है रुद्रमाला? अभी तो सिंगल है ना, तो सिंगल है, उनमें आठ हैं, तो ग्रह कहेंगे अभी? अभी ग्रह नहीं है, है? अब अष्टदेव बनते हैं, अष्टदेव है लेकिन ग्रह नहीं। लक्ष्मी नारायण है, नर नारायण, और उनके राग से बच्चे पैदा होते हैं, तो मिल गए पूरा परिवार बन गया, तो कहेंगे ग्रह। और जब लक्ष्मी नारायण अकेले हैं, बच्चे नहीं हैं, तो ग्रह कहेंगे नहीं। ऐसे ही वो आत्मा में प्रवेश करने वाली जो अंदर कार्य करती है वो फिर प्रत्यक्ष होती है संसार, तब कहा जाता है ग्रह नवग्रह। प्रवृत्ति का पूजन होता है सप्तऋषि भी, ऋषि कहा जाता पवित्र को। सप्तऋषि सात नारायण ही सप्तऋषि हैं, लेकिन वो कम कम कलाओं के हैं। जो सप्तऋषि और ऋषि मुनि की कोटि के हैं उनसे फिर बनता है ब्राह्मणों का नवकुल, नवकुलियन। कोई कच्छप गोत्र, कोई भारद्वाज गोत्र, ऐसे ऐसे उन ऋषि मुनियों के नाम पर गोत्रों के नाम बने। वो एक दूसरे से नीची कोटि के होते हैं, ऊंची से ऊंची कोटि का भी तो नीची से ऊंची कोटि का भी। तो सात नारायण जो है वो ही वास्तव में सप्तऋषि है। तो मेरे मन में समा जाना होता है, कौन सा बाप कहता है मन मना लो? जो कहता है मन मना भव वो उसको मन है, उसको मन है ही, मन अमन है। ऐसे अमन में तुम भी समझा कि कोई संकल्प नहीं थे, अरे अभी मकान हिलने लगे, भूकंप आ जाए, तुमको कोई संकल्प आ रहा हूँ? कोई संकल्प ना है तो मन कंट्रोल किया हुआ कहेंगे या न किया हुआ कहेंगे? मन के ऊपर कोई असर न पड़े तो हुआ अमन। तो जैसे बाप वैसा वैसा बच्चा, तो कहेंगे मन मना भव, मेरे मन में समा गया। बाप का संकल्प क्या है? बाप का संकल्प है कि बच्चे बाप समान बने। बाप असोचता तो बच्चे भी अशोचता बन गए। पाना था तो पा लिया, अब चिंता किस बात की?
इनके बीवी गए थे। बाबा लास्ट टाइम में सभी आत्मा बाप को मिले हैं। सभी आत्मा माना पंच मिलने की भी रीति रीति अलग अलग होती है ना, कोई तो दृष्टि मात्र से ही मिलेंगे, कोई कानों से सुन करके भी मिलेंगे, कोई अखबार में देख लेंगे, जैसे कोई कन्या कोई चेहरा देख लेती है, चित्र देख लेती है और उसका बुद्धियोग जुड़ जाता है, ऐसे ही मिलेंगे। कोई सभी इंद्रियों से मिलेंगे, कोई परसेंटेज में किसी इंद्रिय से मिलेंगे, असंतुष्ट रह जाएंगे, अरे पूरा नहीं देख, पूरा नहीं देखा, पूरा नहीं मिले। तो 500 करोड़ की दुनिया है, कोई टीवी में देखेगी, कोई रेडियो में काम से सुनेगी बाप की आवाज, और कोई प्रत्यक्ष में मिलेंगे, प्रैक्टिकल मिलने मिलने वालों की अलग अलग प्रकार की स्थिति है। तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से मिले मना से, तुम कहा जाता है वो कौन है? वो मिलने वालों में वो बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी है, और भर्ती करने वाला भी इतना, भर्ती करने वाले तो 4.5 लाख होंगे, इससे कम तो होंगे नहीं, आत्माएं तो 9 लाख भी होंगे जो भर्ती करेंगे। कला संपूर्ण बनते हैं तो 16 कला संपूर्ण बन जाए और बाप के बच्चे न बने, ये कैसे हो सकता है? बाप का बच्चा बने तो उसके बाप के घर में जाके जन्म तो ले, बच्चा पैदा होता है बाप का बनता है तो बाप के घर में जाना पड़ता है कि नहीं? आत्मा कि आत्मा बाप के घर में गए बगैर बच्चा बन जाती है। अब ये बात दूसरी है, वो मिनी मधुवन बाप का घर है या महामधुवन बाप का घर है? घर बत्ती तो करनी पड़ेगी 9 लाख आत्माओं को, परिवार के सब जो भी परिवार में जो आत्मा में है उसका जो परिवार है वो सब आत्मा में आ जाएंगे बोलते हैं, तो जो आत्मा में आता है वो सब बट्टी बनाएंगे और कब आएंगे? बाबा ने तो वरदान दिया है तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो ज्ञान में चलेगा मतलब ये थोड़ी का अधूरे ज्ञान में चलेगा, जो पहली डिनेस्टी में आने वाले होंगे उनकी कोई विशेषता होगी दूसरी डिनेस्टी वालों से या नहीं होगी? पहली डिनेस्टी वालों की ये विशेषता होगी कि वो ज्ञान सूरी के बच्चे सारा ज्ञान सूरी की तरह चमक मारने वाले होंगे, ज्ञान की चमक मारने वाले होंगे। इसलिए सब भक्ति किए हुए होंगे, राधा कृष्ण बच्चों के रूप में जन्म लेने वाले होंगे, वो भी प्रवेश करके भक्ति करेंगे, जीके वालों सबको बची करने के लिए चांस। अब तो बोला कि 10% भी नहीं है, भूल गए अभी फिर तो कोई कोई आते हैं ना, है कोई कोई आते हैं तो 10% में वो ही आ गए जो विजय माला में आने वाले होंगे, बाकी तो संसार 68 के बाद बाहर की दुनिया के आए हैं पार्टी में, संसार कोई भी के आ गए एडवांस पार्टी में, संसार 68 के 68 वाले हैं, 67 68 वाले हैं या नए नए आए?
नहीं है, माना वहां जो है उनमें से सिर्फ 10% है ऐसे। जो राधा की तरह चंद्रवंशी बनने वाले, चंद्रवंशी से कन्वर्ट करके आप लोग सूर्यवंशी बना देंगे, फुल सरेंडर हो जाएंगे। सारी दुनिया में बाबा सतेश्वर का बताया ना, वो तो उस समय टीवी वगैरह कुछ होगा। अच्छा, ये साधन और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया में बढ़ रही है या घट रही है? समय तो विनाश हो जाएगा। और जब बेकार का तार बढ़ रहा है तो विनाश तो भले विनाश हो जाए, जब वायरलेस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसको क्या नुकसान पहुंचने वाला है? जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ तो रेल की पटरियां उखाड़ दी, जो वायरिंग है वो तोड़ दी, बिजली के वायर काट देंगे, यहाँ तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। वायरलेस को कोई कनेक्शन होता है क्या? नहीं, तो क्या करेंगे? हाँ, कहीं एटम बम भी डाल दिया, पूरा शहर का सेंटर इतना आबूद हो गया तो रेडियो सेंटर खत्म हो जाए, पर दूसरे शहरों में तो रहेगा, धीरे धीरे एक एक करके शहर खत्म होते रहेंगे। आखिरी विनाश तो लास्ट में ही होगा, 5-7 वर्ष में। नास्तिक लोग को बाप को पसंद नहीं आते, तो वो नास्तिक के बाप को पसंद ही नहीं है। नागरिक बाप को बहुत पसंद है, देखो नास्तिक झाड़ के पीछे में नीचे बैठा हुआ है नजदीक में। लेकिन अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बाप के पास बहुत बड़ी युक्ति है, वो नहीं समझेगा कि हमको बाबा प्यार करते हैं कि नहीं करते। उनका कैसा नजर, उनका कैसा मान पड़ेगा क्या? टीवी नेता ऐसा कम से मिलेगा क्या? अभी बोला कि दो मिलेगा, कोई कोई समूह मिलता है, कोई टीवी में मिलता है, कोई नाटक वाले सन्मुख मिल सकेंगे या साधनों के द्वारा मिलेंगे? साधनों के द्वारा मिलेंगे, वो भी लास्ट में मिलेंगे, जब दुनिया में चारों तरफ टावर तोड़ विनाश होना शुरू हो जाएगा तब उनकी आंखें खुलेंगी। अरे कोई है अजूब अगर हुआ सकते, हम तो नहीं मानते थे गॉड फादर भगवान को, लेकिन है जरूर। बाबा उसके पहले जो बाबा का ज्ञानी भी होगा तो पता है जोर से होगी, सारी जोर से होगी, बिल्कुल होगी। तो ये बाप के प्रत्यक्ष होना टीवी के द्वारा होगी और ये अंधेरा होगा, उसके बाद ही तो होगा, पूरा अंधेरा होने के बाद ही पूरा अंधेरा होता है, घोर अंधेरा फिर घोर सोझ। वहाँ बता रहे ना दक्षिण भारत में नवग्रह का पूजा नहीं होता, लेकिन नवग्रह की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा नहीं, अष्टदेवों की पूजा होती है। नहीं, नवग्रह भी है, वैष्णव में भी है और शिवालय में भी है, बहुत सारे जो ग्रह है, ग्रह है जो पटेल भी ग्रह बनाते हैं, कोई भी अनुष्ठान करेंगे ना तो नवग्रहों का पूजन करते हैं पहले। मंदिर में अष्टदेवों की उनकी मूर्तियाँ हैं, उनकी मूर्तियों की पूजा होती है, वहाँ मूर्तियाँ नहीं है। पूरे उत्तर भारत में कहीं भी नवग्रहों की नौ देवताओं की पूजा मूर्तियाँ नहीं है, मूर्ति के रूप में नहीं, क्योंकि वो संगम युग में नौ जो मूर्तियाँ हैं वो विदेशी बन जाती है, बाप विदेशी बन के आया हुआ है तो बच्चे भी विदेशियों के प्रभाव में आ जाते हैं, विदेशी बन जाते हैं। तो आप कौस्तिक वो थोड़ा महत्व देते हैं, इतना नहीं मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे तो पहले पूजन करेंगे स्वास्तिक बना करके, इधर तो इतना नहीं बाबा। भगवान भी तो आता है तो ज्यादा मरण चिंतन मंथन कराता है ना, ज्यादा मन चिंतन मंथन होता है तो वो
छठ चक्र की याद लाने, सोलह चक्र घुमाने, चारों युगों में आवर्तन कैसे सृष्टि करती है, तो बुद्धि को घूमना चाहिए। दक्षिण भारत में भाषा ही दूसरी हो गई, मन चिंतन मंथन कहा, जितना बाबा ने बोला है उतना ही याद करना मुश्किल है। फिर ज्यादा गहराई में कैसे जाए, बुद्धि का आधार ही आधार पर ही जन्मों में जैसे जैसे जिसने कर्म किए उन कर्मों के आधार पर अंतिम जन्म में आकर के भगवान से ये बुद्धि की दात मिलती है। ऐसा किताब बना हुआ है, बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बन नहीं ना। भगवत तिरसठ जन्म के अनुसार माना ये तिरसठ जन्म के बाद जन्म है क्या? लास्ट जन्म तो है तिरसठ वर्ष, नहीं तिरसठ जन्म के अनुसार ये जन्म मिलता है बता। तो तिरसठ जन्म जो भी पाप कर्म है वो पाप कर्म का हिसाब होता है, पुण्य कर्म का हिसाब होता है। जो पाप या पुण्य कर्म तीव्र गति से किया जाता है वो जल्दी प्रत्यक्ष हो जाता है, जल्दी फल देता है। और जो पाप या पुण्य कर्म धीमी धीमी गति से किया, थोड़ा पाप कर दिया फिर थोड़ा पाप कर दिया, वो धीमी गति से किया हुआ जो है वो बहुत जन्मों के बाद फल देता है। कोई कोई डकैत होते हैं, डाकू इतनी हत्याएं करते हैं तो उसी जन्म में पकड़ लिए जाते हैं, उनको दंड मिलता है। कोई ऐसे होते हैं कि करते रहते हैं और पकड़े नहीं जाते, तीव्र गति का हिसाब है। हर जन्म का इकट्ठा होता रहता है, आगे आगे बढ़ता जाता है, लास्ट जन्म में आकर के सब जन्मों का हिसाब किताब इकट्ठा हो जाता है। एक बार ये वर्ल्ड में लैंड चक्री तो बहुत कम है, वन थर्ड है, वन फोर्थ है, समुद्र तो बहुत थ्री फोर्थ है, कुछ मतलब समुद्र थ्री फोर्थ है और पृथ्वी का हिस्सा जिस पर मनुष्य रहते हैं वो वन फोर्थ है। सागर है, विशाल है क्या, और जो पृथ्वी है बहुत थोड़ा है। सारी पृथ्वी सागर से घिरी हुई है, सागर अथाह है। बहुत बड़ी हुई है, मकान बढ़िया चाहिए, कपड़े फर्स्ट क्लास चाहिए, खाना एकदम लजीज चाहिए, तो आवश्यकताएं ज्यादा होंगी तो कमाई भी ज्यादा करनी पड़े, और फिर यहाँ वहाँ महंगाई भी उतनी ज्यादा है। जन्मों का अभी ऐसे कि श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्ग की शूटिंग करेंगे, स्थिति में रहेंगे स्वर्ग की शूटिंग करेंगे, देवान में कर्म करेंगे तो नरक की शूटिंग करेंगे। नहीं करेंगे वही प्रकार का है ना, है जन्म में आप स्वर्ग जो पहला अच्छा आएगा पाया जाएगा, हाँ जो भी स्वर्ग वो अच्छा वो का पहला बाद में आएगा वो वही तरह आएगा, हाँ जो यहाँ किया है वो ही आएगा, वही उसका ऑर्डर से आएगा, ऑर्डर पहले अच्छा किया तो ये बात नहीं, वही नहीं ना। प्रतिफल है वो अच्छे का पहले आ जाएगा, अच्छे का पहले आ जाएगा, शूटिंग जाएंगे अच्छे कर्म करते, हाँ शूटिंग की जाएंगे अच्छे कर्म करते हैं, आत्माभिमानी होकर के कर्म करते हैं तो उसका फल सत्य चिंता के लिए एक अच्छा होता जा रहा है। सती चिंता के लिए इकट्ठा होता है, सती चिंता तो ऐसे लोग लेकिन पुष्ट होता है ना, सती चिंता में कोई भी हो लेकिन सभी तो सभी कैसे होंगे, दस करोड़ ही तो होंगे सत्य चिंता में, उससे ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे, ऐसे तो 500 करोड़ होना चाहिए सती चिंता में।
जो भी 10 करोड़ है वो तो आत्मिक स्थिति में होते हैं ना, सारे कैसे आत्मिक स्थिति हो जाएंगे, जो लास्ट जन्मों में आते हैं वो तो बिना आत्मिक स्थिति से बनते हैं। लास्ट जन्मों वो जो राजाएं बनेंगे, जो सीढ़ी के चित्र में कटे हुए जन्म दिखाए गए हैं, वो लाख जन्मों की गिरती कला के स्वर्ग को नष्ट करने वाले राजाएं होंगे। ऐसा राजा तथा प्रजा भी ऐसी होगी। तो उन्होंने श्रीमती चला होगा, जब राजाएं ही श्रीमती वैखिलाफी करेंगे, भगवान की ग्लानी करेंगे, तो प्रजा भी कैसी होगी? प्रजा भी ग्लानी करने वाली होगी। बिना की दुनिया में ठौर मिले। बाबा नए शादी करने जाएंगे समय में वो सप्तवर्ष ऋषि को दिखाते हैं, सप्तमंडल को दिखाते बोलते हैं लोग अरुंधति जी का भगवान है, अरुंधति इसकी पत्नी है, इसके ऋषि की पत्नी तार को दिखा के बोलते हैं वो तेल में आते हैं ना मंडल में। दक्षिण भारत में कोई परंपरा होगी, उत्तर भारत में पवित्रता के लिए पवित्र वही का हम लक्ष्मी नारायण समझेंगे या राम सिंह पर समझेंगे, नारायण समझेंगे तो दोनों को लक्ष्मी नारायण जैसा समझेंगे, अरुंधति युगल वैसा रहना है आप ऐसा बोलते लिखा के ये तो इंडिया साउथ इंडिया में ये आदत थी महापुरुषी के मंडल में सारे के नीचे और एक छोटा सा तारा रहता है। अच्छा, एक ऋषि के तारे के नीचे है वो सात पति पत्नी मानते हैं, सात होते हैं सात में चार तो पाए हैं और तीन और लटके हुए हैं पूछ में, उसी में आगे रहते हैं वो सात को दिखा के ऐसा युगल अब रहना है। अलग है मतलब वशिष्ठ वशिष्ठ ऋषि के माना जाता है, उसके नीचे रहता है प्रयागराज वशिष्ठ ऋषि सप्त ऋषि में है वो सात सात सारे दिखाते हैं ना, उसमें एक तारा है वशिष्ठ सबसे लास्ट वाला था वो लास्ट तेल में पास पास रहते दो तेल में तेल में पूछ में पूछ में जो लास्ट से तारा है नहीं वो तीन में कहीं नहीं होगा, वो पहले नहीं तो बीच में होगा वो वशिष्ठ और अरुंधति जी का पैर में माना जाता है जो भी और ऐसा दिखाते हैं लेकिन देखने को नहीं होता है बाबा है। लेकिन शादी के समय में जरूर वो पुजारी होता है ना वो ऐसा बोल के दिखाते हैं देखो देखो, लेकिन ये लोग तो कुछ नहीं देखते है लेकिन रिवाज तो है परंपरा से लिया फिर भी दो साल है ना पास पास रहते हैं किसका है अभी बाबा जितना मूल्य में बताते हैं जितना अद्वैतवाणी में बताते हैं जितना क्लैरिफिकेशन में शास्त्रों की बातें बताते हैं उतनी उतनी बातों पर विचार करना अच्छा है, और नहीं तो फिर बहुत ढेर सारा विस्तार है। और बाबा ये इधर का मंदिर में बड़ा बड़ा ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का नाम भी अलग अलग होता है, सुंदरेश्वर जगदेश्वर ऐसा ऐसा, लेकिन देवियों का नाम भी अलग अलग होता है, माना ये देवियों का वो मूर्ति वो उनका निशानी है क्या? अभी संगम युग में जो बाबा से ऐसे मिलन मनाए हैं ऐसे दूसरे दूसरे नाम से जैसा काम वैसा नाम, शास्त्रों ने जितने जैसे कर्म किए काम के आधार पर उनके नाम पड़े हुए। मामा ईश्वर के साथ ईश्वर के साथ का ही गायन है देवियों का, सुंदरेश्वर मीनाक्षी ऐसे हाँ जी हाँ जी
जो भी ईश्वर के साथ जो नाम दिखाए गए हैं वो उनके काम के आधार पर नाम दिखाए गए। बाबा जब मुरलीना बोलता है कभी भी बोलता है ये तुम्हारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जन्म है, और कभी बोलता है तुम्हारा ये अंतिम जन्म का स्वर्ग का आठ जन्म है ना, उसमें से पहला जन्म नव जन्म है जो ट्रांसफर होते हैं स्वर्ग में, नव जन्म होता है तुम ट्रांसफर होने वाले को, उसका ये पहला जन्म है तुम्हारा बता दे। जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जन्म बोलते फिर बोलते त्रेता जन्म के अंतर ये तुम्हारा जन्म मिला है। तो मेरा प्रश्न ये है कि त्रेता जन्म जब द्वापर कलि का होता है उसका अंत के बाद जो नवा जन्म होना चाहिए पहला जन्म नव का स्वर्ग का, उसका पहला जन्म यह है क्या है जो ट्रांसफर होने से पहले हमें जो समय मिला है। उदाहरण के लिए राम वाली आत्मा को ले लो, राम वाली आत्मा का अंतिम 84वां जन्म कब हुआ? जो 84वां है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते तक। वो 84वां जन्म है, 63वां जन्म है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म नहीं है। लेकिन वही जन्म अभी 7 साल हुए, ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी नहीं हुई, वो दोबारा जन्म लेकर के फिर से सृष्टि पर आता है, तो 76 में उसकी 100 साल आयु पूरी हो गई और वो आत्मा अपने मुख्य पाठधारी के रूप में रंगमंच पर प्रत्यक्ष हो गई। तो जो प्रत्यक्षता हुई है उस समय कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म, उससे पहले का जो 100 साल है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहेंगे। जैसे दुनिया जीती है, रहती है, बोलती है, चलती है, ऐसे ही उसका जीवन है। तो इस समय ऐसे ही हर ब्राह्मण के जीवन में ऐसा ही होगा, जैसे जैसे उसका पार्ट मुख्य पार्ट 84 जन्मों में से जो मुख्य पार्ट है खुलता जाएगा, खुलने के बाद उसका वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म का है। तो इस समय तो उसका तो ख्याल होने का पहला जन्म 21वां जन्म जो जिसे कहे 21 जन्मों में से पहला जन्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म, ऐसे भी नहीं कहेंगे 85वां जन्म। मतलब है 84वां लेकिन उसमें नया जन्म जो है उस नई दुनिया का जुड़ा हुआ है, कल चल गया बन जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और 33 करोड़ देवता जी करते हैं ना, वो तो कल कांति तक आते हैं बता रहे हैं। हाँ जी, और एक मुरली में बोला 16,108 तो त्रेता कांति तक आएंगे बताया, और त्रेता के अंत तक आएंगे का मतलब प्रिंस प्रिंसेस बनते रहेंगे। तो सत्य के आदि में 16,108 क्या होगा जैसे 33 करोड़ है, जैसे 33 करोड़ देवता है ना कल कांति तक आने वाले वैसे ही होंगे क्या ये 16,108 भी त्रेता कांति तक? 16,108 में ऐसे भी तो होंगे जो अंतिम जन्म में जाकर के लास्ट जन्म में जाकर के थोड़े समय के लिए प्रिंस या प्रिंसेस बनेंगे, और बाकी के पहले के जन्मों में क्या बनते रहे? दास दासी बनते रहे। तो वो ठेठ विधर्मी होंगे कि स्वधर्मी होंगे? विधर्मी होंगे। जैसे विधर्मी नारायण है उनके जन्म कम हो जाएंगे कि नहीं, ऐसे ही इनके जन्म तो कम नहीं होंगे लेकिन 84 जन्म में से इनका टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। जो पहले तो पद तो उतना ऊंचा नहीं है पहला जन्म में, पहले जन्म में भी पद ऊंचा नहीं है, तो बाद में आके कैसे ऊंचा बन जाता है? वो 2-3-4-5 जन्म के बाद कैसे ऊंचा बन जाता है? उसका उतना कम किया है जब से आए ज्ञान में तब से लेकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ ही बना रहे, तो उस पर शुरुआत से पावेगा या नहीं पावेगा? कोई लास्ट में जाके फोर्स पकड़ेंगे, जब सारी दुनिया में देखने में आएगा तो सभी पुरुषार्थ पीछे गए अमर पीछे रह गए, तो वो कम प्राप्ति करेंगे या ज्यादा प्राप्ति करेंगे? लंबे समय का पुरुषार्थ अंत समय में ज्यादा काम आएगा या थोड़े समय का पुरुषार्थ ज्यादा काम आएगा? लंबे समय का जिनका पुरुषार्थ होगा वो ज्यादा काम आएगा। जो
लंबे समय के पुरुषार्थ किए होंगे वो अंत समय में उनकी स्टेज भी ऊंची होगी, और शॉर्ट पीरियड के जो पुरुषार्थ किए होंगे उनकी अंत में स्टेज भी उत्तर उत्तर डाउन होगी एक दूसरे से। अंत मतें जो बते हो जाएंगे राधा कृष्ण जो जन्म लेंगे वो तो हो गए कृष्ण से, और तो जन्म लेंगे हाँ, बाकी जो छह हैं अर्थदेवों में वो प्रजावर्ग के हैं या राजघराने के हो गए, उनको क्या कहेंगे है वो उस समय के हिसाब से पढ़ाई हो गई ना। फिर जब बढ़ेंगे तब बुरा जो होगी, हम बच्चे कहाँ रहेंगे हम बच्चे क्यों है, हम समझेंगे हम आठ से बाहर है, अभी कोई डिक्लेयर हो गए यार जब आप डिक्लेयर नहीं हो गए तो हम बाहर क्यों समझे आपको, दो तो बता दिया माँ बाप, दो 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 बता दिए, और जो बाकी तीन जो जोधपुर में है वो क्या बताऊँ, वो युद्ध के स्टेज में युद्ध में ना पुशात है, युद्ध कर रहे हैं, पता नहीं हमारा ये नंबर है कि ये नंबर है है या नहीं है, युद्ध कर रहे हैं कान तो तूर में जोधपुर नहीं है, कान तो तूर जोधपुर नहीं है, ये तूर भी होता है युद्ध, यहाँ ब्राह्मणों में सूर्य युद्ध होता है क्या, हिंसक युद्ध होता है क्या, ऐसे संकल्पों का युद्ध है, जन्म तो उत्तर भारत में होगा दक्षिण भारत में होगा इनका, यमुना के कंधे में भूल गए, यमुना के कंधे में भूल गया, यमुना के कंधे में नहीं होगा, तो यमुना का कंठा उत्तर भारत में दक्षिण भारत में, नाम ही नारायण पड़ा है, क्या पड़ा है नारायण, नारायण का मतलब क्या हुआ, ज्ञान जल में ही उसका घर है और रहता ही कहाँ है, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो रहेगा कहाँ, ज्ञान जल में रहेगा, तो नारायण के जो बच्चे होंगे जो प्रजा होगी वो भी कहाँ रहने वाली होगी, ज्ञान जल में ही रहने वाली होगी, ऐसे नहीं आधे पॉइंट भूल जाए, ऐसे कोई पूछ रहे हैं हम पिछले तो भट्टी हो रहा था, अभी फरुखाबाद में भट्टी हो रहा है, पूछ रहे हैं क्या वो अभी कम है, कम फिल्म में भट्टी करना अच्छा है और ये सेकेंडरी है क्या, ऐसा पूछता है इसका क्या जवाब, बाबा ने तो कंपिल का नाम ही नहीं लिया, मुरली में कहीं कंपिल का नाम लिया, लिया नहीं लिया, बाबा ने किसका नाम लिया, फरुखाबाद का नाम लिया, फरुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं, एक मुरली में नहीं कई मुरलियों में लिया, कंपिल का तो नाम ने कहा नहीं गाया, लेकिन जो कंपिल को फरुखाबाद नहीं गए, फरुखाबाद जनपद नहीं है, है बस सात का महत्व क्या है, कंपिल में भर्ती करने से और फरुखाबाद में भर्ती करने में दोनों का अंतर वातावरण अपने अवस्था जन्म लेते समय अवस्था के ऊपर है, कोई तो बच्ची करने जाते हैं पहले ही दिन बाप खड़े होते हैं, बच्चे में प्रवेश किया और बाप खड़े हुए,
तो उनको दूसरों भी कैसे तैयारी कर सकते हैं जो अच्छी तरह से भक्ति करते हैं और बड़े प्रसन्न रहते हैं, बड़े खुश होकर के आते हैं। स्थान का थोड़ा महत्व पड़ता है लेकिन विशेष बात है अपने आत्मा की। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है किसी परिवार में तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी परिवार में जन्म लेता है लेकिन वो प्रतिभाशाली न बने, बन भी सकता है। पूरा परिवार जो है कसाईयों का है और कोई बच्चे ने जन्म लिया और वो बड़ा होशियार बन गया, पढ़ाई में बहुत सीखा जा रहा है, तो पूजन का हिसाब किताब लेकर के वो आत्मा का भी तो हिसाब हो सकता है। एक होता है एनवायरनमेंट का असर और एक होता है वंशानुक्रम का असर। आत्मा अपनी पावर भी लेकर के आती है, व्यक्ति भल कैसे भी हो, वातावरण घर कैसा भी हो, फिर भी कोई कोई बच्चे पढ़ने में सीखे चले जाते हैं, ट्यूशन की उनको दरकार नहीं। ट्यूशन के संस्कार उनके काम करते हैं। स्वर्ग का गेट खोलेंगे माताओं के द्वारा जी, तो माता को भारत माता है या जगत माता है? माता है बोला है, ये नहीं बोला कि भारत माता ही नहीं होंगी जगत माता ही होंगी, दोनों मिलकर के महालक्ष्मी कही जाती है। ऐसे नहीं लक्ष्मी को ही महालक्ष्मी कहेंगे, जगत माता जब तक मिक्स हो स्वभाव संस्कार से मिक्स न हो तब तक महालक्ष्मी का पद नहीं बनता। देवी होती है ना तो देवी की लैक्टिस्ट भुजाएं भी होती हैं, सारी ही राइटियस भुजाएं हो ये हो नहीं सकता, फिर तो गंड देवी हो गई। भारत माता का बाया हाथ कटा हुआ होगा तो भारत माता नहीं रहेगी, खंडित हो गई। माया माने थोड़ा अशुद्ध कार्य करने वाली और दाया माने शुद्ध कार्य करने वाली, तो दाई भुजाएं माना भारत माता, बाई भुजा माना जगत माता। स्वर्ग का गेट खोलना माना होगा, स्वर्ग का गेट का उद्घाटन करना, फाउंडेशन पड़ गया, अभी फाउंडेशन पड़ रहा है या उद्घाटन हो गया, फाउंडेशन पड़ रहा है दुनिया का। परिस्थिति होगी तभी तो बनेगा, तभी तो उद्घाटन होगा, परिस्थिति नहीं होगी देहाभिमान होगा तो उद्घाटन कैसे होगा, उद्घाटन करने वाले ही देहाभिमानी होंगे तो सर कैसे उद्घाटित होगा। जो स्वर्ग तिथि में बैठने वाले सब परमधाम में होंगे, परमधाम में होंगे, परमधाम की स्टेज में होंगे, वही जो परमधाम जहाँ बना रहा है, परमधाम जब बने जहाँ बनेगा तो साथ ही साथ तो गेट खुलेंगे, आगे पीछे खुलेंगे, स्वर्ग का गेट खोलने वाले स्वर्ग का गेट खोलेंगे और शांति धाम का गेट खोलने वाले शांति धाम का गेट खोलेंगे। चकरा रही है
हो गया क्या? चल बढ़िया।